दोस्तों, आपने कई बड़े बड़े मशहूर शहरों को देखा होगा, पर मैं आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताऊंगी जो पानी के अंदर मौजूद है। आप भी देखकर दंग रह जाएंगे कि आखिर लोग वहां जिंदा कैसे रहते होंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। ये शहर कई सौ सालों से समुद्र के अंदर समाया हुआ था, लेकिन एनेट गिलिनी नाम के एक समुद्री वैज्ञानिक ने इसे खोज निकाला। बात सन 1984 की है, जब इजराइल तट पर डॉक्टर एनेट गिलिनी ने लेवेंटाइन समुद्र में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद उन्हें समुद्र की गहराई में जाकर देखने की इच्छा हुई और वे समुद्र की गहराई में चले ही गए। लेकिन जब वे समुद्र की गहराई में पहुंचे तो उन्हें वहां पर किसी शहर के अवशेष दिखाई दिए, जिसे देखकर वो चौंक गए। उस समय तो वो ये सब देखकर बाहर आ गए, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो दोबारा से अपनी टीम के साथ समुद्र में उस शहर के बारे में पता लगाने के लिए पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपनी खोज को आगे बढ़ाया तो उन्होंने पाया कि एक 43 फीट के एरिए में बसा हुआ एक शहर था, और यहाँ पर पत्थरों से बनी बिल्डिंग, कुएं आदि सब कुछ थे। उन्हें वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी मिली जो 7वीं सदी से मिलती जुलती थी। ये शहर आज तक पानी के अंदर खोजा जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। डॉक्टर गिलिनी और उनकी टीम ने इस शहर के बारे में बहुत सारी चीजें खोज निकाली। खोज के दौरान उन्हें पता लगा कि इस शहर के घर पत्थरों से बने हुए थे और हर घर में आंगन और पक्के फर्श थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस शहर के लोग काफी रईस किस्म के होंगे। जिसके अलावा उन्हें वहां पर एक खंडर में 65 इंसानों की खोपड़ी मिली। ये मानव अवशेषों की सबसे हैरान कर देने वाली खोज थी। बाद में इस शहर के ऊपर वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रशिक्षण किए। रिसर्च के दौरान उन्हें वहां पर गाय, कुत्ते, भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी मिली। इससे ये साबित होता है कि इस शहर के लोग पालतू जानवर रखते थे और वो गेहूं, जौ, दाल आदि की खेती भी करते थे। खोज के दौरान इस शहर की सबसे चौंकाने वाली चीज थी 7 पत्थर जो एक सर्कल में रखे हुए थे। इन पत्थरों के उत्तर कप के निशान भी बने हुए थे। माना जाता है कि ये उनके धर्म और पूजा पाठ से संबंधित रहे होंगे। कुछ थ्योरी और सबूतों के अनुसार माना जा रहा है कि ये शहर सीसीपी के माउंट एटना के पूरब में बसता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये शहर पानी के अंदर कैसे रहा होगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ ऐसी वीडियोस से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।